लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विकी, ए विकी, हाँ, इन अ वे इट्स गुड। करीम का एक्सीडेंट हो गया। करीम? कौन करीम? वही, जिसका आज बाजू कट गया। हद है यार, तुझे तो मजदूरों के नाम भी याद हो गए। विकी, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इन छोटे लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं। तेरे घर में ड्राइवर है तो भी है, आज तक तूने कभी उन्हें नाम से बुला? एक बार अपने ड्राइवर को नाम से बुला के देखो, एक जाएगा रे, गुलाम हो जाएगा तेरा। इतना ही काफी है कि उसके मालिक ने उसे नाम से बुला, वो अपने नाम से पहचाना क्या? यार तू तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी निकला। दीज आर द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड बेटा, मौके का फायदा उठाना। ये जो हाथ कटा ना, ये करीम का नहीं, बिपिनलाल का कटा। फोकस, बताता हूं। कल जब तू फैक्ट्री आ रहा होगा ना, सेठ जी, आपसे एक बात करनी। कहो। करीम का हाथ कट गया सेठ जी, आप जानते हैं ना? हाँ, किसी वर्कर का हाथ कट गया था कल। जी हाँ, वही करीम। क्या उसके हाथ की कीमत सिर्फ 2,000 रुपए? तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, करीम के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जवान बेटी है जिसकी वो शादी करना चाहता है, उसके अलावा बूढ़ी माँ है, बीवी है, और हो सकता है 2 महीने और लग जाए करीम को वापस लौटते हुए अस्पताल से। तो मैं क्या करूं? सिर्फ इतना कर दीजिए सेठ जी कि जब करीम वापस लौटे उसे नौकरी पर रख दिया जाए और फिलहाल 5,000 रुपए उसके घर वालों को दे दिए जाए। रुपया पेड़ों पर नहीं उगता कि जितना मांगो मिल जाएगा। और हाथ भी पेड़ों पर नहीं उगते हैं सेठ जी कि एक कट जाए तो दूसरा लग जाए। और जिन हाथों ने मेहनत करके आपको रोटी खिलाई है, हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए। हमने वही किया जो कानून है। कानून ने उसे 2,000 रुपए मिलने चाहिए थे, वो दे दिए। तो एक बात याद रखिए सेठ जी, आप भी हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, किसी दिन किसी भी मशीन का फल्ला आप पर गिर सकता, और अगर बदकिस्मती से आपके दोनों बाजू कट जाएं तो फिक्र मत कीजिएगा, हम लोग सब मिलकर चंदा इकट्ठा करके आपको 4,000 रुपए दे देंगे। तो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? धमकी वमकी मैं नहीं जानता सेठ जी, सिर्फ इतना जानता हूँ अगर करीम को 5,000 रुपए नहीं मिले तो आपको आपके बाजू की कीमत मिल जाएगी, हो सके तो बीमा करा लीजिएगा। बीमा तुम लोग अपना करा लो, ये कंपनी तुम्हारी जिम्मेवार है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बीवी बच्चों के नहीं, अंडरस्टैंड? अरे ये सब क्या है? हाँ, क्या है ये सब? हटो हटो, झगड़ा कैसा कर रहा है? झगड़ा नहीं, एक मजदूर का हक मांग रहा था। ये काम तुम्हारा नहीं है, यूनियन का है। क्या किया यूनियन ने? जैना की करीम को 2,000 रुपए दिला के उसकी छुट्टी करवा दी। जो कानून है वही तो होगा। कानून किसने बना? तुमने, इसने, इन्होंने, मजदूरों ने? तुम क्या समझते हो मालिक ऐसे ही 5,000 रुपए दे देगा? अरे मजदूरों के हक के लिए अगर मालिक तो क्या, मुझे सारी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो लड़ पड़ूंगा। हाँ हाँ भाई लड़ो, मगर लड़ने का भी कोई तरीका होता है। ये क्या हो रहा है? विपिन बाबू, ये सब क्या हो रहा है? काम पर भेजिए सब वर्कर्स को, ये कोई छुट्टी का वक्त नहीं है। और हाँ, सेठ जी ने करीम के लिए 5,000 रुपए और नौकरी की बहाली भी मंजूर कर ली है। अरे चंदन भैया की जय! चंदन भैया की जय! एक चाय देना यार। होली होली है तो क्या, मैं बिल्कुल नहीं खेलता होली होली। यहाँ तुम मत खेलो भैया, हम तो खेलेंगे। चोरी? मैं पूछता हूँ किससे पूछ के रंग पहुंचा तूने? अरे क्या पूछ 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 लगा रखी है। ए ए पीछे हट, पीछे हट ना। मैं पूछ रहा हूँ तूने रंग क्यों डाला? रंग नहीं तो क्या धूप डालूंगी होली में? अरे जाजा 22 साल की बुड्ढी आई है होली खेलने। चुपे, होली में होली नहीं खेलूंगी तो क्या गिली रंग खेलूंगी? मैं खिलाऊं तुझे? अबे जा जा, तू क्या खिलाएगा कंगाल सिंह? क्या कहा? कंगाल सिंह। भैया
क्यों? अब भैया याद आ क्या? बाहर आ, चल चल होली खेलते हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ चंदन? अरे निकल रहा था सुबह सुबह, रंग डाल दिया एक छोकरी ने। नहीं भैया मैं तो नहीं। भैया तेरी बहन है क्या? हाँ। अरे 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 नहीं नहीं, कमीज खराब कर दी बेचारे की। तो पहने क्यों थी? चांदनी का झोली है। अरे वो तो है, लेकिन 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 क्या, इससे पहले जो यहाँ रहता था मैंने इतनी गलती से उसके ऊपर गरम गरम कांजी डाल ली थी तब भी पूछने का। और ये आया बड़ा हीरो बनता है। अरे बेइज्जती करती है, हीरो बोलती हीरो। नहीं तुझे नहीं बोला, मुझे बोला, मुझे बोला। ठीक है मारूंगा तुझे। वो भांग का शरबत तैयार किया करी, चल हम पीने आते हैं। चल 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 चल। ए चंदन भाई, तुझे आज भांग का शरबत पिलाते हैं। भांग एकदम कड़क है, नशा वशा होगा? अरे भोलेनाथ का प्रसाद कहते हैं उसे, एकदम फलैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलैट फलैट। क्या अंग्रेजी है, तू समझेगा नहीं। चल आ चंदन, आ बैठ। अरे वाह, मिठाई भी बनाई है। उसने वो डाली है कि नहीं? हाँ, हाँ, डाली है। अरे फिर तो बड़ा मजा आएगा यार। पूछ मत, ऐसी कड़क है कि दो टुकड़ों में। तुम एक ही टुकड़ा खाना भैया, वही बहुत है 24 घंटे के लिए। पिछले साल जो तुमने परेशान किया था। क्या किया था इसने? तुझे कह रहे, तुझे क्या, मैं तुमसे बात कर रही हूँ? नहीं तू पूछ। क्या किया था मैंने, क्या किया था? हर साल कोई नया ही नाटक करते हो, कभी उड़ने लगते हो तो कभी जुड़ने लगते हो। भैया ये लो, होली की टोली आ रही, मैं चली। आजा आजा। यही मैं भैया। जय भोलेनाथ। बंदो हंसी मार ला ना। लो बंदो। अरे ये क्या, भांग के ऊपर दारू? अरे देख तो सही, डंड डंड मजा आ जा। डंडो फंस गया। बोला था ना भांग के ऊपर दारू मत पी, हो गया ना फ्लैट। चुप चुप चुप। हिरार हिरार। जी सर। तेरी कोई मैली चादर है? जी मैली चादर। मैली चादर? हाँ है, लेके आओ। फिर हवा भर गई, मैं गुब्बारा हो गया। पकड़ पकड़। अरे पकड़, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। छोड़ दे छोड़ दे, छप्पर फाड़ के मिलेगा। नहीं मुझे छोड़ो मत, मैं उड़ रहा हूँ। भैया को तो भांग चढ़ गई है, तुम्हें क्या भूत चढ़ा है तो चला रहे हो? अरे इन सबको मैंने पिला दिया, ये सब मेरे साथ उड़ेंगे। ठीक है, इमली की चटनी चट लो। जा उसको भी जाके चटा के। किसको? चंदर का नाम क्या? जा चंदर का नाम पूछ गया, उसको भी चटा दे। फिर हवा भर गई, पकड़ पकड़ में गुब्बारा हो गया। पकड़ पकड़। पंडू मत रो। अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरी उंगलियां नहीं खुलेंगी तो। कल सुबह तक खुलेंगी। क्या मेरी उंगलियां फंस गई। खुल गई? हाँ खुल गई। हे बंधु खुल गई, खुल गई, तुम लोग जाओ जाओ। अरे वाह वाह। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? कुछ नहीं। फिर तू क्या कह रही थी? मैं कह रही थी ये खा लो और सो जाओ। हाँ मैं ये कह रहा था कि तू जो भी कहेगी मैं खा लूंगा, तू अगर जहर भी देगी तो मैं खा लूंगा। और क्या है खाने को, मिठाई विठाई है? पहले ये चाट लो। देख अब घुटने के साथ मेरा हाथ जुड़ गया। क्या है इसमें जो जुड़ जाता है? मेरा हाथ अब तेरे हाथ के साथ जुड़ गया। Thank you.
तो बात खूबसूरत है री। ए, क्या अंग्रेज में बोलना? तू एकदम इडियट है। तू भी बहुत इडियट है रे। ऐ मम्मा जा। सलाम साहब, सलाम। अच्छा, सलाम करते तेरा हाथ घिसता है क्या? सेठ को सलाम करते हो घिसता? अपने से मस्काबाजी नहीं होती? अरे मस्का नहीं, सेठ है। सेठ है तो क्या है? क्या क्या? सेठ है तो क्या है? कमाल है भाई, तेरे को नौकरी का भी डर नहीं लगता? अरे मेहनत करने वाले को 100 नौकरियां मिलेंगी, अपने को इस चीज की परवाह नहीं है। क्या अपना काम कर। अरे भाई चंदर किसका नाम है? मेरा। तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है। क्या क्या हुआ उनको? उनको कुछ नहीं हुआ, तुझे हुआ, तुझे होगा। क्या 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 गया नौकरी? गया। कम इन। आप मुझे बुलाया सर? हाँ, क्लोज द डोर। दरवाजा बंद करो। कहिए मालिक। मालिक के बच्चे साले कल क्यों नहीं आया? अभी तू ये सब कुछ ऑफिस में क्यों पूछ? बात मत कर, मैं पूछता हूँ तो कल क्यों नहीं आया? कल यार वो क्या जरा वो एक्सप्लेन व्हाई। यस गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग रोजिया साहब, आप बीमार है, ऑफिस नहीं आए। ओके बात हो जाए। आ से आ जाइए। अब बोल साले कल क्यों नहीं आया था? कल यार बहुत गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़ हो गई? कल उंगली में उंगली फंस गई थी। अच्छा, तो उससे आप उंगली में उंगली करते हैं? नहीं यार, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई थी या नियत खराब हो गई थी? सारे लड़की के चक्कर में एक दोस्त को भूल रहा है? आस्ते बोल यार। सॉरी सॉरी। तू समझता मुझे कुछ मालूम नहीं है? क्या मालूम? बताता हूँ, कल मैं तेरे घर गया था। मेरे घर गया था? झोपड़पट्टी में? हाँ बेटा हाँ, और उस लौंडिया को भी देखा जो चम्मच से तेरे मुंह में निवाले डाल रही थी। तू वहां क्यों गया? अगर तुझे कोई देख लेता। बात मत पलट यार। चिल्ला मत, आहिस्ता बोल। सॉरी। लड़की कौन थी? मेरे बाजू वाली। अच्छा बाजू वाली। अरे बाजू वाली नहीं, बाजू वाली, मेरे बाजू खोली में रहती है। ओ, नाम? श्यामा। हाय 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 श्यामा, इतनी जल्दी नाम भी मालूम हो गया आपको? कमाल है, लड़की बाजू में रहती ना। चिल्ला मत। सिगरेट पिएगा? तेरा तो दिमाग खराब है। लेकिन सोमू बने। मैं सोमू नहीं, मेरा नाम चंदर है। हाँ चंदर जी, आपके टेस्ट की दाद देनी पड़ेगी। वो जो आपकी है ना श्यामा, माल अच्छा है। कुछ किया है? अबे लड़की के साथ कुछ किया? नहीं यार कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं किया? कब करोगे? बुढ़ापे में देखा आपने, अच्छा खासा नौजवान आदमी लेकिन कुछ करता नहीं। क्या नहीं करता सर? काम काम नहीं करता, जब देखो खड़े खड़े बातें करता रहता है। चलो जाओ और कुछ करो। क्या क्या मालिक? काम, खाली नाम जाने से। मेरा मतलब है खड़े खड़े बातें करने से कुछ नहीं होगा, समझे? चलो जाओ। अच्छा देखो जो कुछ करोगे कल उसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। चलो जाओ। जी हाँ फरमाइए। आप क्यों जब से अंदर बाहर हो रहा है? पेपर साइन करवाओ। पेपर साइन करवाया, लाइए। इसे आपने पढ़ा? जी मैं साइन कर दूं? जी। पिताजी का आदेश है, बिना पढ़े किसी चीज को साइन नहीं करना चाहिए।